नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव से देसी कट्टा व दो जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक अमरपुर थाना क्षेत्र के औरेर गांव निवासी कन्हैया तांती बताया गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक संदिग्ध अवस्था में डुमरिया गाँव में टहल रहा था। कुछ ग्रामीणों को शक होने पर युवक को रोककर पूछताछ किया गया। इसी दौरान युवक हथियार दिखाते हुए भागने लगा, जिसे कुछ युवाओं ने खदेड़ कर पकड़ लिया और घटना की जानकारी अमरपुर थाने में दिया। सूचना मिलते ही अमरपुर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद पुलिस बलों के साथ डुमरिया गांव पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार युवक का आपराधिक इतिहास खंगालते हुए युवक से पूछताछ की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के दौरान गत 19 फरवरी को पहली पाली में लिए गए सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिस वजह से बोर्ड ने पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दी है। यह परीक्षा सोमवार को बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर पंजवारा थाना क्षेत्र के गांधी उच्च विद्यालय सबलपुर के केंद्र अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि परीक्षा सिर्फ एक पाली में ली जाएगी और 19 फरवरी को पहली पाली में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द की गई है, जो सोमवार को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में शामिल होंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचवारा की सरकारी जमीन को अतिक्रमित कर निजी निर्माण कार्य कराए जाने का मामला गर्मा गया है। इस मुद्दे पर शनिवार सुबह रोगी कल्याण समिति पंचवारा के सदस्यों ने अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की। समिति ने पंचवारा थाना में आयोजित जनता दरबार में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के विरुद्ध पंचवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर साह और बाराहाट के सीओ शरत मंडल को आवेदन सौंपा। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाराहाट सीओ ने पंचवारा थाना अध्यक्ष को उक्त जमीन पर तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं निर्माण कार्य करा रहे दूसरे पक्ष के लोग भी थाना पहुंचे और उन्होंने जमीन पर अपना दावा किया। सीओ ने दूसरे पक्ष को सोमवार को जमीन से संबंधित कागजात के साथ अंचल कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया और साथ ही मामले के निराकरण होने तक उक्त जगह निर्माण कार्य नहीं कराने का निर्देश दिया। रोगी कल्याण समिति की बैठक में मुखिया भोला पासवान, सरपंच वीरन दास, विकास मित्र कैलाश दास, महेंद्र पासवान, गोपाल, पूर्व सरपंच विष्णुदेव मिश्र सहित अन्य उपस्थित रहे। बौसी थाना क्षेत्र के छकुआ टोला में आदिवासी 50 वर्षीय अधेड़ महिला की निर्ममता पूर्वक हत्या मामले की जांच शुक्रवार को एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने की। पुलिस को हत्याकांड से जुड़े अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। मालूम हो कि 2 मार्च की देर रात महिला की किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। जिस ढावे नुमा घर में महिला रहती थी वहां ही उसकी हत्या हुई थी। एसपी के साथ पहुंचे एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने एसपी के निर्देश पर सभी चीजों की बारीकी से जांच की। साथ ही खाट के नीचे जमीन पर बिखरे सूखे खून को कुदाल से खरोच कर अपने साथ जांच के लिए ले गई। महिला की हत्या की बारीकी से जांच की, जिसमें नतीजा खुलकर सामने आने लगा है। मृतिका बिटिया मुर्मू की भाभी संजली मुर्मू ने पुलिस अधीक्षक को बताया, उसके घर के बगल के मंगल मुर्मू और उसके पुत्र बिहारी मुर्मू ने 15 दिन पहले थोड़ी सी जमीन घेराबंदी के मामले में जान से मारने की धमकी दी गई थी। घटना के एक दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। इन्हीं सब कारणों से बिटिया की हत्या कर हुई है। गांव के सरपंच मुंशी किस्कू के द्वारा पुलिस कप्तान को बताया गया कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गुरुवार को पंचायती की गई थी, जिसमें बिहारी मुर्मू से पूछा गया कि रात में मृतक महिला के घर के सामने वह क्या कर रहा था और कैसे इसकी मृत्यु हुई। इसकी जानकारी मांगी गई, लेकिन वह प्रधान को सहयोग करने के बजाय धौंस दिखाते हुए निकल गया। बताया गया कि पंचायती में मंगल मुर्मू ने एक और मर्डर की बात भी कही। बताया गया कि बिहारी मुर्मू रात के 9 बजे से 2 बजे तक गांव की गलियों में हाथ में कुल्हाड़ी लिए खूब धामा चौकड़ी कर रहा था और देख लेने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस के पहुंचने के पहले ही दोनों बाप बेटा गांव से फरार बताए जाते हैं। पुलिस हर पहलू पर गौर करते हुए फरार हुए पिता पुत्र को जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत कर रही है। वहीं पुलिस के द्वारा महिला हत्याकांड से जुड़े अन्य सबूतों को भी खंगालने का काम कर रही है।
बताया जाता है कि पुलिस ने वहां से अन्य चीजें भी बरामद की है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने से कतरा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई बिंदुओं पर हत्याकांड की जांच की जा रही है। अगले 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा, साथ ही हत्या करने वाले लोगों की जानकारी भी सामने आ जाएगी। मजदूरी करते थे, वो यहाँ रह रही थी अपने दो वर्षों से घर में आके, उनकी हत्या दो दिन पहले रात्रि में हो गई। उसी की जांच हम लोग कर रहे हैं, उसकी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, बाकी जांच की गई है, हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। लखपुरा काली मंदिर परिसर में 9 दिवसीय देवी भागवत कथा का आयोजन भक्तिमयी वातावरण में हो रहा है। कथा व्यास आचार्य भवेश जी महाराज के मुखारविंद से ग्रामीण भागवत कथा रूपी अमृत का रसपान कर रहे हैं। कथा के 5वें दिन रविवार की पहली पाली की कथा में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए आचार्य जी ने कहा कि हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रेम त्याग और करुणा के मूर्ति हैं। हम उनके जीवन को आदर्श मानते हैं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कथा के दौरान गायक गोपाल गोपी सुंदर भक्ति गीतों की प्रस्तुति से श्रोताओं को मुग्ध कर रहे हैं। पैड पर निखिल झा, नाल पर ललन भारद्वाज एवं शैलेश चौबे कोरस पर साथ दे रहे हैं। कथा सुनने को लेकर काली मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही है। आयोजन में मुख्य यजमान की भूमिका में विष्णुकांत झा एवं लता देवी हैं, जबकि आयोजन को सफल बनाने में विभास चंद्र झा, पंकज कुमार झा, बलदेव यादव, रामदेव यादव, अभिषेक झा सहित अन्य ग्रामीण सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पर हमारा न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।